आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय में महिला उत्पीड़न के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। मामला मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिनेश राठौर और उनके सहयोगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यधर द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए बाहर से संस्थान परिसर में लड़कियां लेकर आते हैं। इन आरोपों का खुलासा संस्थान के कर्मचारियों ने ही किया है। इतना ही नहीं, संस्थान परिसर में सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके यतन कुमार ने भी इस मामले में कई खुलासे किए हैं। वहीं खुलासे के बाद सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस ने मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच किए जाने की मांग की है। एक्चुअली सर, सुपरिटेंडेंट और एक उनके मित्र हैं मिस्टर सत्यधर द्विवेदी, क्लिनिकल साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इन दोनों मित्रता है। तो उनकी गाड़ी में लड़कियां आती थी, दो चार दिन छोड़कर उनके आवास पर वो लड़कियां लेकर जाते थे। लड़कियों को गाड़ी की सीट पर बिठाकर ले जा अंदर लिटा कर ले जाते थे ताकि गेट कीपर उनको देख ना सके। और वहाँ जाती थी लड़कियां, रुकती थी 2 घंटे 3 घंटे, चिकित्सा अधीक्षक भी जाते थे वहाँ। अब अंदर गड़बड़ होता था, जो भी होता था, एक बार गार्ड ने भी देख लिया था उनको, तो उस गार्ड को भी हड़का उड़कू दिया था। तो ये सब मामले चलते रहते थे वहाँ। निदेशक महोदय से शिकायत की, लेकिन उस शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया निदेशक महोदय ने। क्या मांगे आपकी? अब सर, मैं चाहता हूँ कि उसकी एक गहनता से जाँच होनी चाहिए वहाँ, और इस मामले को उजागर करना चाहिए कि वहाँ अंदर क्या क्या चलता है। वहाँ बहुत कुछ चलता है अंदर, जिसकी शिकायत उस चार दीवारी में दबके रह जाती है और वो शिकायतें बाहर तक नहीं जा पाती हैं। देखिए, एक तो ये है कि मानसिक अस्पताल में जिस तरह से विजिट के बाद में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, महिला का उत्पीड़न, अब साथ में जो काम करने वाला है रसोईया है, अब वो भी उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है संदेह के घेरे में है। आखिर में उस संस्थान में चल क्या रहा है? पुरुषों के साथ में भी इस तरह की यौन हिंसा की मामले आ रहे हैं, और आरोप वो सीधे सीधे लगा रहा है कि मेरे साथ में यौन उत्पीड़न उस पर किया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं पूरा मामला संदिग्ध है। इस पर प्रशासन को एक उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए, और उसके पूरे संस्थान का जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उन सभी लोगों से बारी बारी से उनके बयान जो रिकॉर्ड किए जाए, और उनके आधार पर जो भी इसमें दोषी निकलता उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये गरिमापूर्ण संस्थान था, पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है, सुप्रीम कोर्ट और NHRC के सीधे दिशा निर्देशों में ये चलता है, और जहाँ ऐसे संस्थान में इस तरह की अगर घटनाएं आती हैं, मामले आते हैं, तो बड़े शर्मनाक हैं, और एक विश्व स्तरीय जो संस्था है उसकी गरिमा पर भी ठेस पहुँचती है। एक्चुअली सर,